मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस पाइनएप्पल केक की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है टिन वाला पाइनएप्पल। तो ये पाइनएप्पल चंक्स हैं, आप चाहें तो पाइनएप्पल रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सिरप से निकाल लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने पाइनएप्पल चंक्स लिए हैं, तो इस तरह से टिश्यू पर रखकर हम इसे इसका एक्स्ट्रा सिरप निकाल देंगे। तो इसे ड्राई मैंने कर लिया है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। कैरामेल बनाने के लिए लेंगे 1/2 कप चीनी और 2 टेबलस्पून बटर। तो पहले हम मोल्ड को ग्रीस करेंगे, जिस मोल्ड में हमने केक को बनाना है। तो मैं एल्युमिनियम के मोल्ड को थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लूँगी। मैं इसे बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव ओवन में। तो लीजिए, मोल्ड हमारा तैयार है, अब हम कैरामेल बनाएंगे। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है और उसमें बटर को मेल्ट होने देंगे और साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे और फिर मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए कैरामेल करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये मेल्ट होता जाएगा, चीनी मेल्ट होती जाएगी, तो ये डार्क कलर होता जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसकी कैरेमल सॉस बना लेंगे और अब ग्रीस किए हुए मोल्ड में इसे डाल देंगे। और फिर इसके ऊपर पाइनएप्पल के जो पीसेस हमने ड्राई करे थे उनको सेट कर देंगे। केक मोल्ड तैयार है, इसे साइड में रखेंगे और केक का बैटर बनाते हैं। एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें 1.5 कप मैदा लेंगे। और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा और 1 पिंच सॉल्ट का डालेंगे और इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसे एक साइड में रखेंगे और एक दूसरा मिक्सिंग बोल लेंगे, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल लेंगे, 1 कप पाउडर शुगर लेंगे। तो ये घर की ही पिसी हुई चीनी है। अब इन दोनों को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो टेबलस्पून दही डालेंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे और साथ में इसमें 2 चम्मच सिरप के डालेंगे, पाइनएप्पल सिरप के। और अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। वन फोर्थ कप दूध डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर बनकर तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। और केक का मोल्ड भी हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। तो अब मोल्ड में केक बैटर डालेंगे और माइक्रोवेव को मैंने प्री हीट होने के लिए पहले ही रख दिया था। तो बैटर को इस तरह से फैला देंगे और फिर हल्का सा टैप करेंगे। अब मोल्ड को प्री हीटेड ओवन में रखेंगे। तो 180 डिग्री पर मैंने प्री हीट कर लिया था और फिर 40 मिनट का टाइम सेट करेंगे कन्वेक्शन मोड पर। तो चलिए 40 मिनट के बाद केक को चेक करेंगे। 40 मिनट हो चुके हैं, तो अब एक बार केक को चेक कर लेंगे।
तो इसमें टूथपिक डालकर आप चेक कर लें। अगर टूथपिक साफ निकले तो केक बनकर तैयार है। अगर थोड़ी सी गीली हो तो आप 5 मिनट के लिए टाइम और लगा सकते हैं। तो लीजिए, केक बनकर तैयार है। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक बनकर तैयार है, वो भी एगलेस। देखने में जितना सुंदर लग रहा है, तो इसको काट कर देखते हैं कि ये अंदर से कितना स्पॉन्जी बना है। अभी ये काफ़ी गर्म है, तो चलिए फिर भी मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। केक कितना स्पॉन्जी बना है आप देख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।